हदीस शरीफ में है, लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तुम में से किसी बंदे का इंतकाल हो, वक्त नज़ा हो, बवक्त नज़ा उस मरने वाले के करीब अज़ा और अकारिब को चाहिए कि वो कलमे शरीफ का विर्द करने लगे। बेशक सुभानअल्लाह। जैसे इंतकाल, हमें एक सिचुएशन नज़र आ गई सीरियस है और बचने के चांसेस नहीं हैं, हमें हालात तो दिखी जाते हैं, तो आप हजरात को वहाँ पर कारोबार की या खामखा की बातें नहीं करना चाहिए, बल्कि वहाँ बैठकर आप हजरात पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इससे क्या होगा, जिसका इंतकाल हो रहा है वो ये देखेगा मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, और वो शादीशुदा है तो वो ये देखेगा कि मेरी बीवी साहिब औलाद है, तो बेटी और बेटों को भी देखेगा, अपने आइज़ा और अकारिब को देखेगा कि सबकी जबान पर एक ही कलमा है जिसके दो पार्ट हैं, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेशक। तो उसका जहन इस जानिब तवज्जो करेगा और उसको मुतवज्जे करेगा कि जो ये सब पढ़ रहे हैं वही मुझे भी पढ़ना चाहिए। क्या बात। और वो पढ़ेगा जब वो बवक्ते विसाल इंतकाल के वक्त उसकी जबान से भी यही मुबारक कलिमात जारी हो गए, तो कुतुब में लिखा हुआ है दखलल जन्ना मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह इंद मौती ही दखलल जन्ना। जिसने बवक्ते विसाल कलमा शरीफ पढ़ लिया तो अल्लाह के करम से वो जन्नत में दाखिल हो जाए। बात है हजरत, हक है। नफ्सियाती साइकोलॉजिकल बात भी मैं आपको बताता चलूं, बवक्ते विसाल इंतकाल के वक्त भी इंसान को वही बात याद आती है जिसका वो दुनिया में आदि था। बेशक। तो इसलिए क्यों ना तुम अभी से अपनी हैबिट, अपनी आदत अच्छी बना लो। वो ये कि सोने से पहले एवरी डे विदाउट एनी गैप, रोजाना सोने से पहले मिजाज बना लो। एक तो ईशा की नमाज तो पढ़ते ही अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं पढ़ते वो पढ़ना शुरू करें, ईशा भी पढ़ें, जोहर भी पढ़ें, आसर भी पढ़ें, मगरिब पढ़ें, ईशा पढ़ें, पंच वक्ता नमाज पढ़ें। जब आप सोने जाएं तो बावजू होकर सो जाएं तो सोने पे सुहागा ना हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। बावजू सोने के कई फायदे हैं, एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सोच अच्छी रहेगी, जब सोच अच्छी रहेगी तो फिर ख्वाब की परेशानियां ज्यादा नहीं होंगी। बेशक। जब बुरे ख्वाब नहीं देखोगे तो सेहत भी मुतासिर नहीं होगी, अच्छे ख्वाब देखोगे, पाकीजा ख्वाब नजर आते ही तब है जब जहन पाकीजा होती है। वो कहा है ना किसी ने कि फेल अच्छा है तो तामीर भी अच्छी होगी, सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी। मैंने कल खुद को मदीने में टहलते देखा, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। आप हजरात से अपील करता हूँ, वुजू करके सोया करें। बेशक हक है। वुजू कर लें, या जिस जमाने में लोग कुओं से पानी खींचते थे, रहट हुआ करते थे, वो दौर ओल्ड था मगर गोल्ड था, नमाजें कच्ची थी मगर लोग पक्के थे, छप्पर होते थे मगर किसी की नमाज कजा थोड़ी होती थी। अब तो इतनी सहूलियात है कि भाई पानी गर्म भी उपलब्ध है घर पे, माशाल्लाह हर किसी के वहां पे गैस सिलेंडर भी है, और अब तो गीजर लगे हुए हैं, गर्म पानी करना है तो तब भी आराम है। सही है साहब, अगर वुजू करके सोने के क्या मिजाज बना लें हमारे मुसलमान भाई, कितने फवाइद होंगे। देखो वुजू किया, उसके बाद आपको करना क्या है, कम से कम 100 मरतबा, कम से कम 100 मरतबा कलमा शरीफ की तस्बीह पढ़ लो। बेशक। सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितनी देर में पूरी हो जाएगी ये तस्बीह, बमुश्किल 10 मिनट में। बेशक हक है। अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ नाज़िम साहब, माशाल्लाह आपने बड़ी मेहनत की है, आप भी मेरी तरफ तवज्जो दें, चूंकि आपका नाज़िम जलसा की जिम्मेदारी बड़ी अहम होती है। जी जी। वो बेचारा शुरू में बैठ जाता, आखिर तक उसकी ड्यूटी होती है।
तो लिहाजा मैं आपको भी थोड़ा आराम देना चाहता हूँ और आप हजरात भी मेरी बात सुकून से सुने। सैयद साहब तवज्जो फरमाइएगा जरा। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जब हजरत वो रोजाना 100 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ेगा तो बताओ एक ना एक दिन उसका मिजाज बनेगा कि नहीं? एक ना एक दिन क्या 40 दिन मुसलसल पढ़ लो फिर तुम्हें नींद ही नहीं आएगी जब तक कलमा नहीं पढ़ लोगे। तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे कुछ भूल गया, मैं कुछ छूट गया मुझसे। यार बंदा बुरी आदत डाल लेना छुट्टी नहीं, तो जब बुरी नहीं छुट्टी तो अच्छी कैसे छुट जाएगी? इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ, और जब तुम्हारी आदत बन चुकी होगी कि सोने से पहले मुझे कुछ पढ़ना है और वो है कलमा शरीफ, तो ये तो है आरजी सोना जिसके बाद उठना भी है, एक है हकीकी सोना जिसके बाद उठना नहीं है। क्या बात, यानी जो मौत वाला सोना होगा, अरे नींद भी तो मौत ही है। एक आरजी मौत है, नहीं वो हकीकी मौत है। तो जब तुम्हें आदत ऑलरेडी पड़ी हुई होगी कलमा शरीफ की, तो आंखें जब हमेशा के लिए बंद हो रही होंगी ना, तो तुम्हें याद आएगा सोते वक्त में कुछ पढ़ता था। क्या बात, बोलो ना झूम के सुभान अल्लाह, कुछ तो पढ़ता था, वो याद नहीं आ रहा होगा। उधर से बाप ने जोर से पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, माँ पढ़ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बेटी पढ़ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो देखो तलकीन करने वालों का भी फायदा मिल रहा है और अपनी जो अच्छी आदत थी उसका भी फायदा मिल रहा है, और इंशाअल्लाह तुम्हारी जबान पे जारी होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि अल्लाह ने चाहा तो वक्ते विसाल कलमा शरीफ पढ़ोगे और पढ़ने के बाद अल्लाह के करम से माफ कर दिए जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है जिंदाबाद। लोगों के समझ में आई बेशक। फिर आपका जनाजा उठेगा पलिया से, गुजरेगा कब्रिस्तानों, जैसे हमारे मोहतरम लियाकत भाई की, मरहूम अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन, उनका जनाजा उठा। और भी पलिया में कितने जनाजे उठते हैं, उठते रहते हैं, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, जहां जहां भी आबादियां सब, लेकिन सब जो जाते हैं ना वे खामोश पैगाम दे के जा रहे होते हैं जो हम सुनते हैं मगर भूल जाते हैं, चूंकि इंसान बहुत भूलने वाला है, भूल जाता है एकदम से, वही उसको ये याद नहीं रहता कि हो सकता है कि पलिया से अगला जनाजा इस मसेरी में हो सकता है मेरी जाए। ये भी तो हो सकता है कि कब्रिस्तान में जो आबादी का इजाफा हो रहा है वो इजाफा अगली मर्तबा मेरी लाश के जरिए हो जाए। कुछ पता है, वो जा रहा है लाशा दुनिया को कहते हुए, आप सबको रोते हुए छोड़कर, उसका जो पैगाम होता है वो ये पैगाम होता है जो मैं अशार में आपको सुनाना चाहता हूँ। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है मकाम आखरे आखरे, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, कहना सब जीत जी के हैं शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्मा ढलने को है तम निकलने को है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बड़ा बड़ा कड़ियल नौजवान मर जाता भाइयों जब मौत आती है। तो ऐसे एक्सीडेंट भी मैंने देखे हैं कि नौजवानों के भेजे पोलिथीन में भर के लाने पड़े। अल्लाह अकबर अल्लाह, यार मौत आ जाती है जहाँ घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मयस्सर नहीं होता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, समझदार वो नहीं है जो सिर्फ दुनिया की रंग रवेलियां मनाने में मसरूफ है, समझदार तो वो है जो कब्र की तैयारी करने में मसरूफ है, जो जब तक फजर ना पढ़ ले उसे नाश्ता अपना जायज ही नहीं लगता, जोहर ना पढ़ ले नौकरी उसको बुरी लगती है। समझदार अकलमंद वो है जो कब्र की तैयारी कर रहा है। यहाँ तो दुनिया में ऑलरेडी उजाला बहुत है, वहां के उजाले की फिक्र कर मेरे भाई, जहां अंधेरा ही अंधेरा है,
जहां के बारे में आला हजरत ने तुम्हारे जहनों को झंझोड़ते हुए कहा, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। पढ़े मेरे साजर, आप भी पढ़े। कहना सब जीत जी के है शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम ढलने को है, दम निकलने को है, शम ढलने को है, दम निकलने को है, अब है कीसा तमाम आखरी, आखरी पढ़ लिया करें मेरे साथ, आखरी 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 आखरी, मुझको नहला के पहना दिया है कफन, रो चुके मिलके माँ बाप भाई बहन। हजरत, ये जिंदगी का आखिरी गुस्ल है। गुस्ल, गुस्ल में, मैयत के गुस्ल में फर्ज तो एक है, मगर सुनन मुस्तहबात तो अनेक है ना, सबका ख्याल रखना चाहिए। मर्द है तो 3 कपड़े, औरत है तो 5 कपड़े। और मैं तो कहता हूं मसाजिद और मदारिस में मुसलमानों को कफनाने और दफनाने के मसाइल सिखाए जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता किसका इंतकाल कब कहाँ हो जाए। हजरत, हमारी कौम के बच्चों को, नौजवानों को ये तो पता रहे कि वो किस तरीके से कफनाएंगे दफनाएंगे, मगर ये बच्चे मसाजिद और मदारिस में आए तब ना। जी भाई, आओ अपने इमामों से सीखो आकर के, वो तुम्हें बताएंगे ना। आओ, कुछ नहीं पता। इमाम गजाली अल मुतवफ़ा 505 हिजरी, उनसे पूछा गया, हजरत कोई बंदा अगर बुढ़ापे में तौबा कर ले तो क्या तौबा कबूल होती है? आपने फरमाया, बेटा तौबा तो कबूल होती है मेरे लाल, मगर ये बता, जैसे मौत यकीनी है वैसे बुढ़ापा यकीनी है? तू कैसे कह सकता तुझे बुढ़ापा आएगा? अगर बुढ़ापे से पहले ही मर गया तो क्या होगा? वो बंदे को, मैं, मुझे भी इत्तेफाक हुआ है, मौका मिला है, मैंने भी ये सआदत पाई है चंद हजरात को नहलाने की। वो कैसा बेबस पड़ा हुआ होता है इंसान। देखो, ये जो आदमी के हाथ है ना, नरम रहते हैं, जैसे रूह निकल जाती है अकड़ना शुरू हो जाते हैं, जान नहीं रहती इनमें फिर, और फिर इतना बेबस पड़ा हुआ होता है कि उसको गुस्ल दो तो लगता है कि इंसान की हैसियत सिर्फ यही है जो इस वक्त पड़ा हुआ है। वो तन तना, वो लहजे का सोजो गुदाज जनाबे वाला, वो चेहरे का रोब व दबदबा, वो तुम्हारा सीना जिसको तुम चौड़ा करके चलते थे, वो तुम्हारी अकड़, वो तुम्हारा पहनावा, सब खत्म, कुछ भी नहीं है। वो तुम्हारा कोट पैंट भी नहीं है जो 15 दिन पहले खरीदा था, वो सिर्फ रखा हुआ ब्रीफ केस में। अब वो न तुम्हारे जूते, वो न तुम्हारी बेहतरीन बेहतरीन पहनने की चीजें जो तुमने हजारों में खरीदी थी, अब वो सब सदका किया जाएगा, कुछ भी नहीं है। तुम तो कुल जायदाद से अपने साथ सिर्फ 3 कफन के कपड़े लेके जा रहे हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। बेबस पड़ा हुआ था इंसान मेरे साथियों, उसको नहलाया जा रहा है। मुझको नहला के पहना दिया है कफन, रो चुके मिलके माँ बाप भाई बहन, साथियों मौत भी आज है रत में है, साथियों मौत भी आज है रत में है, बस यही है मकाम आखरी आखरी, पड़े हश्र में मिलेंगे मेरे, पूरा मजमा मेरे साथ पढ़ ले भाई, ये हमारे आपके साथ सबके साथ होना, सब लोग पढ़े, हश्र में मिलेंगे मेरे दोस्तों, खुशबू में कफन को बसाने लगे,
मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे। दोस्तों अब उठाओ जनाजा मेरा, दोस्तों अब उठाओ जनाजा मेरा, हो चुका इंतजाम आखरी आखरी। पढ़े जरा मेरे साथ पढ़े, हश्र में मिलेंगे मेरे दोस्तों। हमारे लियाकत भाई ने अपनी अहलिया मरहुमा के इसाले सवाब के हवाले से ये अजीम शान महफिल सजाई, आप लोग तशरीफ लाए, हम लोगों की भी हाजिरी हुई, और आप हजरात भी अपने मरहूमीन को याद रखा करें, वरना ये दुनिया इतनी बेमरवत है, खुदा की कसम इतनी बेमरवत है कि अपने उन्हीं माँ बाप को भूल जाते हैं लोग, जिनकी जायदाद पे कब्जा कर लेते हैं बाद में, जिनके घरों में रह रहे होते हैं। अभी सैयद साहब क़िबला थे, हम लोग बैठे थे, तो लियाकत भाई के बेटे हैं, क्या नाम है, फैयाज भाई, इन्होंने भी बताया, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ, और चैनलों के जरिए पैगाम मेरा पहुंचे दूर दूर तक, तो मैं एक बात ये कहूंगा कि जो काम इन्होंने किया है ना, वो सबको करना चाहिए। इन्होंने माशाल्लाह ये तो प्रोग्राम किया ही, लेकिन इससे कहीं ज्यादा सवाब का भी काम किया है, और वो काम ये किया कि मस्जिद में हमारे फैयाज भाई ने अपनी वालदा मरहूमा के इसाले सवाब की नीयत से, और इनके तमाम घर वालों ने माशाल्लाह क्या किया पता है, समर से भी लगवाया। अब मुझे ही बताओ, उस पानी से जितने लोग भी वुजू करेंगे मौलाना शान आलम साहब के बिला, उसका सवाब किसको मिलेगा, इनकी वालदा को मिलेगा। हजरत साद की माँ के लिए उन्होंने जब कहा इसाले सवाब के लिए, कहा हुजूर ये कुआं मैंने अपनी माँ के लिए वक्फ कर दिया, तो हुजूर ने इशारा करके कहा हाजी ही लि उम्मी साद, यही तो असल हमारे पास फातिहा के हवाले से। हदीस सही है, यानी सामने रख कर के भी हम इसाले सवाब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ कुएं के सामने हुजूर ने कहा कि या अल्लाह ये साद की माँ के लिए है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हजरात भी ये गुफ्तगू सुने और उन्होंने अपनी माँ के इसाले सवाब के हवाले से ये बेदारी ना दिखाई हो तो वो दिखाएं। चार भाई हो, चार भाइयों के लिए क्या मुश्किल है मस्जिद में समरसेबिल कराना, नमाजियों के लिए पानी का बंदोबस्त करना। क्योंकि सोचिए जरा, अभी ये समर से भी लग गया, हमने ही माशाल्लाह वहीं पे वजू किया, ईशा की नमाज पढ़ी यहाँ करके, फहीम अख्तर साहब हम सब लोग आए तो वहीं आकर के तो बता रहे थे, हजरत ने बताया कि ये जो है उन्हीं का लगाया हुआ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो ये मैं सबको पैगाम दे रहा हूँ, अच्छा आपका इतना कब्जा नहीं है, इतना नहीं कर सकते, अच्छा माशाल्लाह लगवाएंगे। अच्छा वो जो समर से भी है अभी लगा नहीं, अच्छा वो समर सेविल मस्जिद ही कहा है, तो हमने कहा नमाज पढ़ी थी उस मस्जिद में, तो है समर सेविल, अच्छा बोरिंग है वो, इसका मतलब वो बोरिंग का पानी है, समर सेविल लगवाना चाह रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नियत कर ली तो लगवाएंगे ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर ये काम जरूर करें, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप हजरात को मैं सबको कह रहा हूँ, अच्छा जिन हजरात का कब्जा नहीं है वो क्या करें, तो पानी तो वो भी पिला सकते हैं, अच्छा कम अज कम आप अपने मकानों की छतों पर जो है पानी के बर्तनों में पानी रख सकते हैं परिंदों के लिए। हाय 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 वाह, अरे बोलो ना झूम के सुबह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, क्या आप नहीं पढ़ाता कलाम माशाल्लाह, क्या नाम है अशर रजा, बरकती अल्लाह खुश रखे उम्र में बरकत आता आपके पलिया ही के, मेरी यहीं पे मुलाकात हुई इनसे, तो अपने मकानों की छतों पर रखते हैं जी जी, सवाब का एक तरीका है। मेरे कहने का मकसद यह है कि अपने माँ बाप के लिए, अपने अजीजों के लिए कुछ ना कुछ इसाले सवाब के लिए करते रहना चाहिए। तो मैं बता रहा था कितनी बेमुरव्वत है दुनिया, शेर में सुनो, कैसी दुनिया है मुर्शिद गजब रे गजब, चंदनों में यहाँ भूल जाते हैं सब, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो पढ़ ले ना कलाम आखरी आखरी, हश्र में मिले गे मेरे दोस्तों। बेशक माशाल्लाह माशाल्लाह, एक बात मैं आपको बताऊं पलिया के मुसलमानों,
माँ बूढ़ी हो या बुढ़ापे से पहले इंतकाल हो, बाप का मामला भी ऐसे ही है, तो माँ बाप जैसी नेमत और दौलत दुनिया में खूनी रिश्तों में कोई भी नहीं है। बेशक बेशक। बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। जब नहीं होते हैं तो पता चलता है माँ बाप का साया कैसा होता है। जी जी। बड़े बड़े नाफरमान औलाद को मैंने बाद में रोते हुए देखा, मौलाना शाह आलम साहब, उन्हें एहसास हुआ। वो कह देते ना, बाप तो बुढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, अब क्या करेगा। अरे नादानो, वो फल दे न दे, छांव तो देता है ना। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, बेशक। जब माँ चली जाती है दुनिया से तो एहसास होता है कि मेरे लिए दुआएं करने वाला कोई नहीं रहा। बलिया से तुम पूरनपुर गए या लखीमपुर खीरी चले गए, आने में लेट हो गए ना, तो रिश्तेदार 10-11 या ज्यादा 12 बजे तक इंतजार करेंगे। बस 12 बजे के बाद सबके मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएंगे या फ्लाइट मोड पे लगा करके, साइलेंट मोड पे लगा करके सारे लोग सो जाएंगे। जी जी। लेकिन तुम्हें पता है पूरी रात तुम्हारी राह तकने वाली जो हस्ती होगी, तुमने कभी सोचा है वो कौन होगी? वही जिसे तुम देखना भी नहीं चाहते, वही तुम्हारी बूढ़ी माँ होगी, जिसके दरवाजे भी तुम्हारे लिए, जिनके लिए तुमने अपने दरवाजों को बंद कर दिया, वही बूढ़ी माँ होगी, जो कभी दरवाजे तक देखेगी, वो चला नहीं जाता तो लाठी के सहारे से चल के आएगी दरवाजे तक, ताकि देखे मेरा बेटा अभी तक आया कि नहीं आया। झांक झांक करके देखेगी कि मेरा बेटा अभी क्यों नहीं आया। यहाँ तक कि सर्दी की जनवरी की भी रातें हो ना, तो मकान की छत पे चढ़ जाएगी तुम्हारी माँ और देखेगी मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया। और फिर देखो, ठंडे पानी से अगर घर पे गीजर नहीं है तो वुजू करके मुसल्ला बिछा करके अपनी चादर फैला देगी खुदा की बारगाह में, या अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत भेज दे मेरे घर पे, मेरा बेटा सलामत आ जाए मेरे घर पे। प्यारे, ये दिल अल्लाह ने तुम्हारी माँ को अता फरमाया है, जो तुम्हारे लिए तड़पता भी है, धड़कता भी है, रोता भी है, आंसू भी बहाता है, ऐसी होती है माँ। मेरे साथियों याद रखो, अगर घरों से निकला करो तो अपनी माँ का हाथ अपने सर पे रखवाने के बाद निकला करो, अपने बूढ़े बाप के कदम को बोसा दे करके निकला करो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, जब तक वापस नहीं आ जाओगे, माँ बाप की दुआएं तुम्हारी हिफाजत करती रहेगी। मुनव्वर राना ने चार मिसरे बड़े अच्छे कहे हैं, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, बेशक सुभानअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद। जिनकी माँ बचपने में फौत हो जाती है, उन बच्चों से पूछो, माँ तो माँ होती है। और फहीम भाई कहे तो वो अफसाना, वो मैंने पढ़ा था कहीं पे, किसी रिसाले में था, मगर बड़ी अच्छी बात लिखी है उसने। एक बच्चे को टीचर रोजाना डांटती, लेडी टीचर थी तो वो रोजाना डांटती थी। तो एक दिन वो बच्चा रोते हुए घर पे नहीं गया, हाय हाय हाय, घर पे नहीं गया, बल्कि सीधा कब्रिस्तान गया, और कब्रिस्तान में जाकर के उसने अपना बस्ता अपनी माँ की कब्र पे रख दिया, और वो रोने लगा। रोते रोते कहता है, माँ मैं अपनी टीचर को कैसे समझाऊं, मेरी टीचर रोजाना मुझसे कहती है कि तू कैसा बेसलीका बच्चा है, ना तो तेरे बालों में कंघी होती है, ना तेरी आंखों में सुरमा लगा हुआ होता है, और ना ही तेरे कपड़ों पे प्रेस होती है, स्त्री होती है। ऐ माँ मैं उन्हें कैसे समझाऊं, मेरे बालों में कंघी करने वाली अब दुनिया में नहीं रही, मेरी आंखों में सुरमा लगाने वाली अब दुनिया में नहीं रही, मेरे कपड़ों पे स्त्री करने वाली अब दुनिया में नहीं रही। वो बच्चा कब्र पे ऐसे बिलक बिलक के रो रहा था, ऐसे बिलक बिलक के रो रहा था कि माँ की रूह भी तड़पने लगी। मेरे साथियों, ये माँ होती है बचपने में, इसकी कुर्बानियां तो देखो, तुम तो 10 मिनट किसी का इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन ये तुम्हें पता है, मुझे, मैं समझ सकता हूं हमारे क्या नाम है भाई का,
नहीं दूसरे फैयाज भाई और उनके बिरादरान उनकी बहनों सब पूरे घर का गम समझ सकता हूँ कि माँ के जाने के बाद कैसे अकेले हो जाते हैं, कैसे उनकी फीलिंग आती है, किस तरीके से उनकी याद तड़पा के रख देती है दिल को। ये माँ ही तो थी जिसने 9 माह तक हमें पेट में रखा था, वो तो चैन से खाती भी न थी। जैसे डॉक्टर ने एडवाइस दिया, फीडबैक लेना पड़ती थी डॉक्टर से कि डॉक्टर मुझे ये इस्तेमाल करना कि नहीं, माँ ने अपने अपने लुकमों की कुर्बानी दे दी बेटे के लिए, बेटी के लिए, अपनी औलाद के लिए। अगर लेडी डॉक्टर ने ये एडवाइस दे दिया कि तुमको गर्म चीज इस्तेमाल नहीं करना तो हाथ तक नहीं लगाया माँ ने, उसने कह दिया तुम्हें फल फ्रूट नहीं लेना है इस पीरियड में जब तक तुम हामिला हो, जब तक उम्मीद से हो, तो उसने हाथ तक नहीं लगाया। कौन तड़पा है तुम्हारे लिए सिवाय तुम्हारी माँ के? वो माँ ही तो थी जो 9 महीने तक ये समझ लो कि कितनी परेशानियों के रास्ते से गुजर रही थी, कैसी परेशानियां उठाई, उसने अपने जज्बात तक की कुर्बानी दे दी। और कौन सी कुर्बानी चाहिए? इसीलिए शरीयत में आता है, इसीलिए किताबों में आता है कि कोई बेटा अपनी माँ को कांधे पे बिठा करके तपते हुए रेगिस्तान पर, ऐसा रेगिस्तान के जहां पांवों में आंवले पड़ जाए, उस पे बिठा करके माँ को हज करा दे, तब भी बवक्ते विलादत माँ को जो तकलीफ हुई थी उस मौके पर माँ की जो चीखें निकली थी, एक चीख का भी हक अदा नहीं हो सकता है। तो माँ बाप को आंखें दिखाता है, माँ को गालियां तक दे देता है आज का मुसलमान, बता तुझ पे मुसीबत नहीं होगी तो क्या होगा, तुझ पे परेशानी नहीं आएगी तो क्या आएगी। लोग मेरे पास भी आते हैं घर के लिए कि हजरत कोई तावीज कर दो, मुसीबत दूर हो जाए। मैं कहता हूँ कि उस घर के किसी काम में बरकत नहीं होती जिस घर में भी माँ बाप की खिदमत नहीं होती। वाह वाह बेशक, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल बरा, फैजाने औलिया इकराम, खिदमते वालिदैन, नारे तकबीर। भाव अगर आप सब लोगों को भाइयों माँ से मोहब्बत है और बाप से, तो जरा एक मरतबा, बार बार नहीं, मौसम सर्दी का एक मरतबा जरा बोलें माँ बाप की मोहब्बत पर, हाथ उठा के बोलें सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जरा झूम के बोलें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारी माँ अगर सलामत है ना, तो रोजाना जियारत किया करो माँ की, बूढ़े बाप की जियारत करो, माँ बाप की जियारत, सुभान अल्लाह, रोजाना जियारत करो और एक हज का सवाब पाओ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जियारत करते जाओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो फरमा बरदार औलाद होती है हजरत, दोनों रुख बयान करने से जी जी, फरमा बरदार औलाद भी माशाल्लाह। जैसे कि मुझे जब मैं खाना तनावुल कर रहा था, हजरत भी तशरीफ ले आए थे, भाई मख्तर साहब भी थे, तो इन्होंने मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई हम अपनी माँ के लिए ये सोच रहे हैं इस आले सवाल की, क्योंकि वीडियोस भी बन रहे हैं, कैमरे वाले भी यहाँ मौजूद हैं, लोग और जगह पे भी सुनेंगे, तो मैं सबको ये पैगाम देता हूँ कि जिनकी माँ गुजर गई है या बाप गुजर गया है, या बाज बेचारे ऐसे भी होंगे जिनके दोनों ही गुजर गए हैं, ऐसे भी होंगे, तो वो ये काम ज़रूर करें। मैंने ये वाकया कई जगह, हो सकता है नेट पे आपने सुना हो, बयान किया। एक लड़के से मुझे बड़ी दिली मोहब्बत हुई, मुझे छोड़ने आया तो यार वो गाड़ी में रोने लगा, उसके घर पे प्रोग्राम था मेरे इलाके का, उसकी बात मुझे कभी भी याद आ जाती है। कहने लगा हजरत आज मेरे पास दिल्ली में माशाल्लाह मकानात भी हैं और मेरा अच्छा काम चल रहा है, उसके बाद वो रोने लगा, उसके बाद मुझे कभी भी याद आ जाती है। और फिर कहता हजरत मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे माँ बाप नहीं है, कहता काश आज मेरे माँ बाप होते तो हजरत कितने खुश होते। वाह। उसने अपना दौर बताया कि एक दौर ऐसा था, बता रहा था कि हमारे घर पे बड़ी गरीबी थी, और फिर मेरे मिलने वाला ही है वो लड़का, अल्लाह करम हुआ मैं दिल्ली में जाके शिफ्ट हो गया, माशाल्लाह काम चल गया उसका, अल्लाह ताला ने चलवा दिया। तो कह रहा था आज, मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, भाई अल्लाह की मर्जी है, लेकिन तुम अपने माँ बाप के लिए साले सवाब करते रहो, तुम्हारे वालिद की रूह झूमती रहेगी, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, कब्र में झूमेगी तुम्हारे वालिद, सुभानअल्लाह, और इंशाल्लाह उसकी बरकत मिलेगी। तो वो लड़का भी माशाल्लाह बहुत ही साले सवाब कराता अपने माँ बाप, और किसी के माँ बाप अगर जैसे बचपने में फौत हो गए ना, तो गम तो बहुत होता है भाई, फरमा बरदार हमारे फहीम अख्तर साहब
अभी रस्ते में इन्होंने बताया कि इनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया। अच्छा, वालिद साहब का, अल्लाह ताला इनके वालिद साहब की बड़ी दुआएं रही हैं इनके साथ, माँ बाप की। हमारे भी वालिद साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन वालदा हमारी बहायात हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन। जरा आमीन बोलिए जोर से। आमीन। आप हजरात में से भी जिनकी माँ या बाप या दोनों बहायात हो, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। आमीन। ऐसा कभी मत सोचो कि माँ बाप का साया तुम्हें बुरा लगने लगे। माँ तो अगर डांटती भी है तो तेरे भले के लिए डांटती है यार, तेरे अच्छे के लिए डांटती है। या बाप अगर कभी डांट देता है तो इंसान को बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर वो गलत भी डांटे तो बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि अगर ये गलत डांट भी रहे हैं तो हैं तो मेरे बाप ही भाई, हैं तो मेरे बाप ही। और बाप गलत डांटते ही कहाँ है, जब तुम पूरी पूरी रात मोबाइल चलाओगे तब डांटता बाप, बुरी सोहबत में बैठते हो तब डांटता है बाप। वो ये चाहता है, देखो बाप के अंदर खुद बुरी आदत हो मगर वो ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा बुरा हो जाए। किसी ने लिखा है कि डाकू भी ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा डाकू, वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। जी जी जी। उसका मकसद ये होता है कि मेरी तो जैसी गुजर गई लेकिन मेरा बच्चा किसी का मोहताज न बने। जी। बोलो जरा जोर से बोलो, ऊंचा बोलो। सुभान अल्लाह। जमीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, बल्कि बड़े अच्छे नाज़िम है माशाल्लाह, वो ये शेर पढ़ते हैं। जमीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, फकत माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई दे। आहा, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये माँ बाप होते हैं। मैं एक जुमला बोल रहा था बीच में कि अगर किसी के माँ बाप दोनों फोत हो गए बचपन ही में, उसने माँ बाप का प्यार नहीं देखा, तो दिल थोड़ा ना करे भाई, उसे भी सब्र आएगा। वो कहीं और नहीं, तसव्वुरी तसव्वुर में मदीना चला जाए। आह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। चूंकि मेरे हुजूर अभी अपने माँ के शिकम में थे कि हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। ठीक है, बचपने ही में हुजूर के सर से वालिद का साया उड़ गया था। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो यतीम पैदा होते हैं, यानी वो अभी माँ के शिकम में होते हैं कि बाप का इंतकाल हो जाता है। तो वो ये बात याद रखे करें कि अगर ऐसे भी पैदाइश हो रही है तब भी हुजूर की सुन्नत अदा हो रही है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर की एज 6 बरस थी। कितने बरस बोले जरा जोर से? 6 बरस। मकाम अबुआ एक जगह का नाम है, अल्लाह कभी जाना नसीब करे आप लोगों को, हज पे जाएं आप तो ये मदीने शरीफ से लगभग 70 या 80 किलोमीटर बैठता होगा, एक जगह है। वो अपनी माँ के साथ आ रहे थे हुजूर, हुजूर थे 6 बरस की उम्र है और उम्मे ऐमन थी, वहीं पे तबीयत नासाज हो गई हजरत आमिना की। क्या नाम है हमारे हुजूर की माँ का? अदब से लें, हजरत आमिना। अदब के साथ लें। क्या नाम बताया मैंने? हजरते सैयदा आमना। एक बात बताओ पलिया के मुसलमानों, कोई तुम्हारी माँ का जिक्र अच्छे लफ्जों में करे कितने खुश होते हो? जब उम्मती हुजूर की माँ का नाम अदब के साथ लेंगे, हुजूर की रूह कितनी खुश होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तो तकरीरों में पैगाम दिया है, बल्कि मैंने अपनी एक भांजी का नाम मुझे पता चला, हमारी भांजी है वो, आमना रखा। तो अभी 1.5 साल पहले पैदाइश हुई उसकी, मुझे बड़ी खुशी हुई, ईद मिलादुन्नबी के महीने में पैदाइश हुई। पलिया के मुसलमानों को या जो दूर दराज से आए सबको ये पैगाम देकर जा रहा हूँ, अल्लाह बेटियां दे तो एक न एक बेटी का नाम आमना भी रखो। ये हुजूर की माँ का नाम है आमना। बेटियों के नाम हुजूर की माँ के नाम पे रखो। हुजूर की बेटियों हजरत फातिमा, हजरत रुकैया, हजरत जैनब, उम्मे कुलसुम के नाम पे रखो। अजवाज मुताहरात यानी खतीजतुल कुबरा, हजरत आयशा, उम्मे सलमा वगैरह, हुन्ना के नाम पर रखो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाकीजा नाम पर रखोगे तो इंशाल्लाह बच्चियों में भी उन नामों का असर पैदा होगा। और किसी साहिब पे अगर बेटियां ही बेटियां हो तो वो भी दिल थोड़ा ना किया करे, हुजूर को अल्लाह ने चार बेटियां अता फरमाई। बेशक बेशक। और ये जरूरी नहीं है कि बेटों से ही नाम रोशन हो, अल्लाह चाहे तो बेटियों से भी नाम रोशन हो जाता है। कायनात की सबसे अजीम हस्ती यानी हमारे हुजूर का नसब जो चला, आपकी बेटी सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा सैयदतुना हजरत फातिमतु जहरा से चला है। बेशक। 4 मिसरे मैंने कई दफा पढ़े, मुझे याद आते हैं कि चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से,
रब्ता रहता है कुलास्तान बेटी से, जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अरे आप लोग बैठे बैठे, चलिए कलमा शरीफ पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं बता रहा था कि हजरत आमिना की तबीयत मकाम अबवा याद रखेंगे नहीं, बोलिए मकाम अबवा एक जगह का नाम है, हमजा बापे जजम वाव और वाव के बाद अलीफ, मकाम अबवा एक जगह है, वहां पे तबीयत नासाज हो गई। तीन हजरात हैं, ये तीन नफरी काफिला है, हुजूर हैं, उम्मे ऐमन है और हजरत आमिना, यहीं पे तबीयत नासाज हो गई। और तबीयत चूंकि ये इन्होंने माँ के हवाले से प्रोग्राम किया है, तो मैंने सोचा हुजूर की माँ के जिक्र जमील से आज के प्रोग्राम को मुजक्का मुजल्ला मुसफ़ा कर लिया जाए। बेशक सुभान अल्लाह। चूंकि आपने अपनी वालदा के हवाले से किया, तो मैंने सोचा हुजूर की वालदा की वफात का तस्करा मुख्तसरन आपके सामने पेश कर दूं। सुने भाइयों जरा मेरी तरफ तवज्जो करें आप हजरात, मैं ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, आप हजरात सुन ले सुकून के साथ बस। माशाल्लाह अच्छा सुन रहे हैं आप, आपकी आंखों में बंदे के आंखों में आंसू आते हैं तो भाइयों वो दिल की आवाज होती है, दिल की आवाज होती है वो। तो मैं बता रहा था आपको कि जब तबीयत नासाज हुई तो उनको अंदाजा हो गया कि अब मैं रूबा सेहत नहीं हो पाऊंगी। सैयदा सैयदतुना हजरत आमिना, उन्हें अंदाजा हो गया कि अब मैं रूबा सेहत नहीं हो पाऊंगी, तो उन्होंने अपने प्यारे जिगर के टुकड़े आए हैं जाने आलमीन रहमतुल्लिल आलमीन, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, उन्हें करीब किया। और वो अशार जो उन्होंने उस वक्त पढ़े थे अरबी के, वो कुतुबे सियर में लिखे हुए हैं, उनमें से एक तर्जुमा मैं कर देता हूँ, कई अशार हैं, उसमें से एक ये भी है कि बेटे जो मैंने ख्वाब देखे हैं ना, अगर वो सब सच्चे हैं तो मेरे लाल कायनात में झंडा तेरा ही लहराएगा। आहा वाह वाह बेशक सुभानअल्लाह। उसके बाद कहा बेटे मेरा तो इंतकाल होने वाला है, वह जिक्रा बाकिन वलतु तुहरा, लेकिन मेरा जिक्र कभी मिटेगा नहीं। बलिया के मुसलमानों बोलो इसका तर्जुमा आप भी बोलो, मेरा जिक्र कभी मिटेगा, वज़िक्रा बाकिन मेरा जिक्र बाकी रहेगा। क्योंकि हुजूर का जिक्र बाकी है तो हुजूर की तमाम निस्बतों का जिक्र बाकी है। बेशक बेशक। और माँ की निस्बत तो कितनी अजीम निस्बत है। कहते हैं वलत तो तुहरा, उन्होंने फरमाया कि बेटे मैंने बड़ा पाकीज़ा बेटा जना है तेरी शक्ल में। आए हैं। और उस वक्त वो कैसा इमोशनल वक्त होगा और कैसा जज्बाती और कैसा रुला देने वाला लम्हा होगा। हुजूर अपनी माँ को चिमट गए, चूंकि वालिद का साया तो पहले ही उठ चुका था, अम्मा का साया भी उठने वाला है। और एज क्या है, सिर्फ 6 बरस की, हुजूर की उम्र शरीफ सिर्फ 6 बरस है। हुजूर अपनी माँ को चिमट गए, हुजूर ने हजरत उम्मे ऐमन जो साथ में थी उनसे कहा मेरे बेटे मोहम्मद का ख्याल रखना। वो कैसे लम्हे थे मेरे साथियों, वो कैसा दर्द भरा मरहला था, और फिर जिंदगी की आखिरी सांस हमारे हुजूर की माँ हजरत खुदैजतुल हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जिंदगी की आखिरी सांस ली, और फिर आपने दाई अजल को लब्बैक कहा। हुजूर अपने मुबारक नन्हे नन्हे हाथों से अपनी माँ की कब्र तैयार कर रहे हैं। कब्र तैयार हो गई तो फिर हजरत आमिना को दफन किया वहीं पर, मिट्टी डाली, और उसके बाद वाले जो जुमले हैं ना वो तो कलेजा चीर के रख देते हैं, वो तो जहनो दिमाग को झंझोड़ कर रख देते हैं कि जब हुजूर नबी करीम उम्मे ऐमन के साथ आने लगे तो हुजूर नबी करीम के बारे में उम्मे ऐमन बताती हैं, रिवायत करते हुए फरमाती हैं कि मैंने हुजूर नबी करीम को देखा, उस 6 माह के फर्जंद 6 साल के फर्जंद अर्जुमंद को देखा कि वो पलट पलट के अपनी माँ की कब्र को देख रहा था। उसके बाद फिर हुजूर कब्र पे भी गए, वहां जाकर के हुजूर की ढारस बन गई, हुजूर आप दीदा हो गए। इससे वाकये से आप हजरात को सुनाना मकसद ये है कि अपनों की मौत पर रो देना या अपनों को याद करके खुद से आंसू आ जाना ये नाजायज नहीं है, ये तो मेरे हुजूर की सुन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो गम मनाना गलत है जो तसन्नो रखता हो,
जो रियाकारी का पहलू रखता हो, जिसमें नाशुक्री के अल्फाज शामिल हो जाएं, वो रोना अल्लाह को पसंद नहीं, वरना खुद से जो रोना आ जाए वो तो हमारे हुजूर की प्यारी सुन्नत। बेशक, जरा बोलिए, जोर से बोलिए, हमारे हुजूर की प्यारी सुन्नत है। और एक बात और याद रखें, अपनों का इंतकाल हो, अपने किसी अजीज का, माँ का, बाप का, या बाप के लिए बेटों का, बेटी का, भाई के लिए बहन का, या बहन के लिए भाई का, किसी का भी इंतकाल हो, आंसू आ जाएं तो रो दो, मगर कभी जबान से हर्फ शिकायत मत लाओ, बल्कि सब्र का दामन थामे रहो और करबला पे निगाहें जमाए रहो। वाह वाह, बेशक बेशक, के जहां 72 जनाजे उठाने के बाद भी अली का शहजादा फातिमतु जहरा का बेटा आसमान की तरफ निगाहें उठा करके जो कह रहा था, उसका मतलब शेर में यही निकलता है, अश्कों को भी पी लूंगा, होठों को भी सी लूंगा, अश्कों को भी पी लूंगा, होठों को भी सी लूंगा, अगर तेरी रजा होगी हर हाल में जी लूंगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो आप हजरात को पलिया के मुसलमानों में यही पैगाम देना चाहता हूँ, किसी का भी इंतकाल हो जाए, अपने अजीजों अकारिब में से कोई हमें छोड़ के चला जाए, तो सब्र का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए हमारे वहां पर माशाल्लाह मुसलमानों में ये एक तरीका शरीयत ने बताया कि कोई खबर तकलीफ देने वाली सुनो, गम पहुंचाने वाली सुनो, तो जबान से फौरन पढ़ लिया करो, इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह बेशक। और क्या पढ़ते हैं हम लोग, इन्ना अल्लाह मा साबिरीन, यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी पढ़ते हैं जी, जी। और क्या पढ़ते हैं, इन्ना अल्लाह मा साबिरीन, सब लोग पढ़िए ना, इन्ना अल्लाह मा साबिरीन। 6 बरस की उम्र बताई मैंने, कितने साल बता रहा था, 6 बरस। अब उम्मे ऐमन जब मक्का लेकर के पहुंची हुजूर को, तो हुजूर के जो दादा थे ना, आए हाय, सरदारे कुरैश थे, अरे कैसा दादा है हुजूर का कि पूरी दुनिया जानती है। वाह, ये भी सदका हुजूर ही का है। बेशक बेशक, वो इसको मैं ऐसे समझाऊं जैसे कोई पूरनपुर से या लखीमपुर से आने वाला हो, तो जाहिर है उसकी फैमिली वालों में जो बड़ा होगा वो बॉर्डर पे जाता है ना, पलिया के बॉर्डर पे कभी रिसीव करने के लिए, या कोई नेपाल से आए, तो ऐसी जब उनको पता चला कि आमिना आने वाली है, वो काफला आने वाला है, 3 नफरी काफला, 3 हजरात, तो वो बॉर्डर पे चले गए, यानी कि मक्का की सरहद पर, ये कह लो। अब वो जब वहां पहुंचे, उन्होंने ऐसे उचक के देखा तो हुजूर का जलवा तो नजर आया, वाह वाह, मैमन भी नजर आई, लेकिन आमना नजर ना आई। जब ये दोनों करीब हो गए तो इन्होंने पूछा, मेरी आमना कहाँ है, आए है। इतना कहा तो हुजूर अपने दादा को चिमट गए, मेरे हुजूर अपने दादा जान से चिमट गए, और उम्मे ऐमन ने भी आप दीदा होकर के कुछ ना कहा, दादा समझ गए। और उसके बाद एक बात बताएं आपको, दादा को पोती पोतों से जो मोहब्बत होती है वो औलाद से ज्यादा होती है। बेशक, औलाद को तो डांट भी देता है, मार भी देता है, मगर पोती पोतों के बारे में तो सुन भी नहीं सकता। ऐसे ही बेटियों से ज्यादा मोहब्बत इंसान को नवासी और नवासों से होती है। एक मैं तजर्बे की बात बता रहा हूँ। तो जब कहा इंतकाल हो गया, उसके बाद हुजूर को दादा जान ने, देखो मेरी तरफ देखो, सीने से चिमटा लिया, और ऐसा प्यार करते कि जब तक खाना तनावुल नहीं करते थे सरदारे कुरैश, जब तक के जाने आलमीन दस्तरखान पे नहीं आ जाते थे, ऐसा प्यार करते, जहाँ पे आराम करते वहीं पे सुलाते। क्योंकि बेटे तो आपके मुतादी थे, तकरीबन 10 या 11 बेटे थे मेरे ख्याल से, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार जो था वो हजरत अब्दुल्ला पर था, और वो जवानी में ही फौत हो गए, उनकी बीवी भी फौत हो गई, तो अब तो मोहब्बत ने तूफान का रंग इख्तियार कर लिया पोते से। कोई कुछ कहता था तो कहते थे, खबरदार मेरे पोते के बारे में कुछ न कहना, तुम ये क्यों नहीं देखते हो कि मेरे पोते का मेरे अलावा कौन है। और क्या इस पे, अच्छा आप सरदारे कुरैश थे तो खाने काबा के नीचे जो है आपका मसनद लगता था, आप बैठ के फैसले करते थे, तो हुजूर मसनद पे आके बैठ जाते थे,
तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब हमारे हुजूर को उठा करके अपने कंधों पे बिठा लिया करते थे। सुभान अल्लाह। कहते थे बेटे मोहम्मद तेरी जगह ये नहीं है, ये है। चूंकि वो जानते थे अजमत हुजूर की कितनी है, मर्तबा हुजूर का कितना है। उन्होंने वो मंजर भी अपनी आंखों से ही तो देखा था ना कि जब आप गोद में लेकर के खाने काबा का तवाफ करने गए थे तो आपका जहन चकराने लगा था, इसलिए कि आप ये नहीं समझ पा रहे थे कि मेरे कदम बढ़ रहे हैं काबे की तरफ या काबा बढ़ रहा है मोहम्मद मुस्तफा। आला हजरत ने बड़े झूम कर कहा था, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। एक जगह और कहा आला हजरत ने, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। दादा भी सारे मनाजिर अपनी आंखों से ही तो देखता था, तो दादा झूम के कहते थे सरदारे कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यहाँ बिठा लिया करते थे। कितने साल की उम्र बताई मैंने आपको? 6 बरस की। 7 बरस मुकम्मल हो गए, यहाँ तक कि जब 8वां बरस आया और 8 बरस होते होते तकमील होने लगी और हुजूर की उम्र शरीफ 8 साल हो गई। मेरी तरफ देखो पलिया के मुसलमानों, तवज्जो के साथ सुनो, 8 साल की उम्र हो गई तो हुजूर की जिंदगी में गम की ये घड़ी भी आई, जब सरकारे दो आलम, सैयद आलम, नूरे मुजस्सम, मेराज के दूल्हा, हम सब के आका, मोहसिन इंसानियत, नबी करीम के दादा जान का भी इंतकाल हो गया। ये खबर हुजूर के दिल पर गम का पहाड़ बन के टूटी। अब जो मैं जुमले सुनाना चाहता हूँ उसको कान खोल करके भी सुनो और दिल के पैमाने भी खोल दो पलिया के मुसलमानों, और देखो सुनो गौर के साथ सुनो। अल्लाह के पैगंबर को जब ये खबर पहुंची कि सरदारे कुरैश का इंतकाल हो गया तो हुजूर के गम, हुजूर के दिल पर गम के पहाड़ टूट गए। अल्लाह के पैगंबर के पैमाने दिल जो है वो आंखों से छलकने लगे, आंसू जो है मोतियों की शक्ल में आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी हो गई। यहाँ तक कि मैं आपको बताता चलूं, आप सरदारे कुरैश थे अब्दुल मुत्तलिब, पूरा मक्का बंद हो गया, मक्के में बाजार बंद हो गए, गल्ले की मंडियां बंद हो गई, दूर दराज से लोग जनाजे में शरीक होने के लिए आए। वो कोई आम शख्सियत के मालिक नहीं थे, वो सरदारे कुरैश थे, खाने काबा के मुतवल्ली थे, बड़े बड़े लोग आपके जनाजे में शरीक होने के लिए आए। अपने वक्त के बड़े बड़े शुआरा ने उनके गम में मरसिए लिखे, बड़े बड़े दर्दमंदाना उन्होंने अशार लिखे। यहाँ तक कि जब आपका जनाजा उठाया गया, बड़ा भारी जनाजा था सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब का। अब जो मैं जुमले सुनाना जा रहा हूँ वो जुमले सुनो मेरे साथियों, जब जनाजा आपका जा रहा था तो लोगों ने देखा कि एक बच्चा खाने काबा की दीवारों से चिपट के रो रहा था। वो बच्चा कोई और नहीं था, वो हमारे हुजूर की जाते गिरामी थी, जो अपने दादा जान के गम में खाने काबा से, खाने काबा की दीवारों से चिमट के आंसू बहा रही थी। आज दादा जान का साया भी उठ गया। ए पलिया के मुसलमानों, ये मैं हुजूर की सीरत का हिस्सा इसलिए भी सुना रहा हूँ कि तुम पे कभी गम पढ़ा करें, गमों का पहाड़ टूटा करे, मसाइब आलम की आंधियां चला करें, तो सब्र का दामन मत छोड़ा करो, हुजूर की सीरत अपना लिया करो, हुजूर का दामन पकड़ लिया करो। इंशाल्लाह तुम्हारी जबान पर भी यही जारी होगा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, या फिर इंशाअल्लाह तुम्हारी जबान पर जारी होगा इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह, मैंने जो आप हजरात के सामने चंद बातें कही हैं, देखो हजरत गम तो किसी पे भी आ सकती है, बेशक। ये क्या नाम, मैं नाम जहन से निकल जाता है इनका, आप फैयाज भाई अकेले हैं, भाई भी हैं आपके, 6-7 भाई हैं आपके? सारे भाइयों से कह रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे जितने भाई हैं तशरीफ फरमा, सबसे कह रहा हूँ, देखो तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है या बाप का, बेटी का, भाई का, अपने किसी अजीज का, तो आज तुमने इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे रखा है तो कुछ याद करके भी तो लेके जाओ ना, जिस पे बाद में अमल कर सको। तो जो कल में शरीफ वाली बात जो बताई थी उस पर अमल करोगे नहीं नौजवानों, बताओ इंशाल्लाह। अब दूसरी बात जो बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि कोई भी खबर सुनो, खबर गम की खबर तो पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, परेशानी पड़े तो सब्र का दामन थामो। तीसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ जिस पे आपको अमल करना, वो ये है कि तुम्हारे किसी भी अजीज का बतौर खास माँ का या बाप का इंतकाल हो गया है तो हफ्ते में एक दिन उनकी कब्र पे जरूर जाया, बेशक। इसको लिख लो, दिल के कागज पे लिख लो कि हमें जाना है,
बेशक शरह सुदूर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अल-मुतवफ्फा 911 हिजरी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी हिकायत लिखी है। वो कहते हैं एक लड़का, उसका नाम था उस्मान इब्ने सौरा, वो अपने माँ बाप का बड़ा फर्मा बरदार था, अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करता था। जी जी, ऐसा नहीं है कि आप ये समझे कि मैंने कुछ कह दिया था तो माँ के साथ औलाद को ऐसा नहीं। मेरे भाई आज भी बाज औलाद ऐसी है जो माँ बाप से बहुत मोहब्बत रखती है, बेशक हक है, फरमा बरदारी करने वाले हैं ना आज भी माशाल्लाह। तो ऐसे ये उस्मान इब्ने सौरा था, इसका नाम था उस्मान, इस लड़के का नाम, ये बहुत फरमा बरदारी करता था माँ की। भाई मौत तो आना है, एक दिन इसकी माँ का इंतकाल हो गया। इसकी माँ भी बड़ी नेक थी, आबिदा जाहिदा थी, वो इतनी नेक थी कि उसका लकब पड़ गया था राहिबा, यानी दुनिया से अलग थलग रहने वाली। अल्लामा सुयूती लिखते हैं कि उसका इंतकाल हो गया माँ का, तो इसके लड़के ने अपनी जिंदगी का ये पार्ट बना लिया, कहते ना पार्ट ऑफ लाइफ, यानी अपनी जिंदगी का ये हिस्सा बना लिया कि ये हफ्ते में दो दिन, उसमें किताब में दो दिन है या एक दिन, ये मुझे ठीक से याद नहीं रहा, लेकिन एक दिन तो बहरहाल, यानी जुमेरात को या जुमे को या फिर दोनों दिन, वो हफ्ते में अपनी माँ की कब्र पे जरूर जाता था। बेशक सुभानअल्लाह सुभान। जाकर वो क्या करता होगा, कुरान शरीफ पढ़ता होगा, इसाले सवाब करता, जो सूरतें याद थी वो पढ़ता था। हजरत ये उसने अपनी जिंदगी का जुज़्वे लायनफक बना लिया, यानी जाना ही था, और वो दुआएं करता था, या अल्लाह तू मेरी माँ को दिखा दे ख्वाब में, मेरी माँ किस हालत में है। सुभानअल्लाह, बोलो बोलो जोर से बोलो। हम तो ऐसे हैं कि माँ बाप को भूल जाते हैं, याद भी नहीं रहते माँ बाप, रोड से गुजर गए और रोड के किनारे पे कब्रिस्तान है, ये भी तौफीक नहीं होती कि थोड़ी देर माँ बाप की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ लें। जी जी हक है। यहाँ तो यही बहसें होती रहती हैं कि हाथ उठा करके दुआ करो या नहीं करो। अरे नादानो, जब तुम हन्नियत बांध के जनाजे को सामने रख करके दुआए जनाजा पढ़ सकते हो तो हाथ उठा के दुआ क्यों नहीं कर सकते हो, ये बताओ मुझे। हाँ, क्या बात है, इसमें कौन सी बात है भाई। नियत हमने बांधी है, ये अलामत है नमाज की, हाथ उठाया है ये अलामत है दुआ की। वाह वाह क्या बात है, दुआ तो अल्लाह ही से मांग रहे हैं, बेशक दुआ तो अल्लाह ही से मांगी जाती है, हाथ उठाना तो बस एक निशानी है। जी जी, ये बंदा दुआ कर रहा है, इसके अलावा क्या है। झगड़े होते हैं हमारे, अफसोस की बात है, रोने की बात है यार। कयामत के दिन कितने लोग ऐसे होंगे जो देखेंगे नेकियों के पहाड़ आए हुए हैं, तो वो कहेंगे या अल्लाह ये नेकियां तो मैंने की नहीं, आई कहां से, कहां से। क्या बात है, तो रब फरमाएगा बंदे तूने तो ना की मगर तेरे बेटे ने तेरे लिए की ना ये नेकियां। क्या बात है हजरत, तेरे बेटे ने तेरे लिए समरसेविल पानी का इंतजाम किया, तेरे बेटे ने तेरे लिए दरख्तों का इंतजाम किया, तेरे बेटे ने तेरे लिए गरीबों को खाना खिलाया, तेरे बेटे ने तेरे लिए सर्दियों के मौसम में जिन पे ओढ़ने को रजाइयां और कंबल नहीं थे कंबल तकसीम कराए, वो नेकियां करता जाता था और अब तुझे ट्रांसफर करता जाता था, और ये जो आज तू नेकियों का जखीरा देख रहा है ये वही जखीरा है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा बयान हजरत। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। क्या बात, बहुत पछताएंगे वो लोग जो इस आले सवाब पर एतराज करते हैं, मरने के बाद एहसास होगा, हम चाहते हैं अभी एहसास हो जाए। हमारा किसी से कोई जाती वो नहीं है, बस मैं ये समझाना, हाँ तुम्हें कोई हमारा तरीका गलत लगता है तो तुम और तरीके पे करो, करो तो। क्या बात, हमारे तरीके में भी कोई खामी अगर है तो आलिम तो लोग उसको भी मना करते हैं ना यार। जी जी, किसी की नाक पे अगर मक्खी बैठेगी तो ये बताओ मक्खी उड़ाएंगे या नाक ही उड़ा देंगे। तो ऐसी कोई रस्म हमारे वहां पर, उसमें कोई चीजें गलत शामिल कर दी गई हैं तो उस उन चीजों को रोका जाएगा ना, बेशक। थोड़ी के इसाले सवाब भी खत्म कर दो, अब ये तरीके जो हमारे वहां पे मुरव्वज हैं, ये तरीके ना हो तो बताओ कौन कितना इसाले सवाब करेगा, मुझे समझा। जी। लोग भूल जाएंगे, और उन लोगों में देख लो भूल ही जाते हैं, बेशक। लेकिन हमारे वहां अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्हीं बहाने कुछ ना कुछ हजरत जिक्र हो ही जाता है। क्या बात है, अब ये जलसा सजाया गया, ईमानदारी से बताओ पलिया के मुसलमानों, यहाँ पर अल्लाह रसूल का तस्करा ही तो हो रहा है, एक आंसू भी गिरा हुआ तुम्हारा कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह उस एक आंसू के सदके में मेरा खुदा चाहेगा तो न जाने हमारे तुम्हारे कितने गुनाहों को। मसलके आला हजरत अस्मत वालिदैन हिंदुस्तान, नारे तकबीर,
भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। नाजिम साहब वो लड़का जो था ये दुआएं करता था, या अल्लाह तो मुझे मेरी माँ दिखा। क्या बात है, अल्लाह हमारा कादिर मुतलक है, मेरा खुदा बेशक मेरा खुदा जो चाहे वो करे। हक है, हक है। उसकी शान फ़आलु लिमा युरीद, कुरान में आया वो जो चाहे करे। अंधेरे में माँ के पेट में भी वो रोजी देता, वही तो खुदा है। जी 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 बेशक, कश्ती को जो तैराता है वही तो खुदा है। हक है, हक है। सातों आसमान उसके, सातों जमीनें उसकी, और फिर अर्श उसका, कुर्सी उसकी, अर्श आजम उसका, सिदरतुल मुंतहा उसका, ला मका उसका, बेशक क्या बात जो है। कुछ ऐसा मेरे खुदा ही का। जी 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 हक है, हक है। क्या कुदरत है अल्लाह की। अपने खुदा से लो लगाया करो, तुम भी दुआएं मांगा करो कि या अल्लाह तू हमें हमारे मरहूमीन तो दिखा वो किस हालत में है। वाह वाह क्या बात। जब मांगोगे ही नहीं और मांगते ही नहीं, हजरत याद ही कहाती है मुसलमानों को। अल्लाह से मांगने का तरीका छोड़ दिया इन्होंने बिल्कुल। तहज्जुद की नमाजें हमारे वहां रही, तहज्जुद की नमाजें तो तहज्जुद की नमाजें, फर्ज नमाजें तक कजा हो रही है मुसलमानों में। जी हक है। दुकान पे बैठकर गपशप करता रहेगा और उधर आजान हो रही है नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। हक है, हक है। वो मुसलमान ही क्या जो पांच टाइम की नमाज ना पढ़े। बहुत अच्छी सलाह हजरत। मुझे याद आता और उसे रजवी में अब से लगभग जिस साल जश्न ससाला था तो वो तकरीर करते करते मैंने एक जुमला कहा था। मैंने कहा था कि जो पांच मरतबा मस्जिद में नहीं आ सकते वो दुनिया में हुकूमत क्या कर सकते, क्या कर सकते। क्या बात है। बताओ भी बताओ, मस्जिदें वीरान है हमारी, बाज बाज जगह तो इमाम पढ़ रहा, मुआजिनों बेचारे मुतवल्ली साहब, तीन तीन नमाजी भी बाज बाज जगह मैंने देखी। ये हाल है जी। और जन्नत में जाने का नंबर आ जाए तो सोचता सबसे आगे मैं ही जाऊंगा। नहीं मेरे भाई, पंच वक्त नमाज पढ़ा करो। बोलिए ना जोर से, बोलिए इंशाल्लाह पढ़ेंगे नमाज। ऊंचा बोलिए, बोलिए जोर से, बोलिए इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। क्यों उदास फेरते हो, राहतें बुलाती है। क्यों उदास फेरते हो, राहतें बुलाती है। अरे राहतें बुलाती है, आओ मुसलमानो, आओ मुसलमानो, मस्जिदें बुलाती है, बुलाती है। आओ मुसलमानो, मस्जिदें बुलाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नगमे अज़ा का से इतना सा तारुफ है, इतना सा तारुफ है। तुमको आज आज भी अजानों में, आज भी अजानों में नुसरतें बुलाती है। बोलो जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उन्होंने क्या दुआ की, वो क्या दुआ करते थे, या अल्लाह तू मुझे मेरी माँ को ख्वाब में दिखा दे। जोर से बोलिए और आमीन भी बोल दीजिए। आमीन आमीन। ताकि हम में से जिनके माँ बाप फौत हो गए अल्लाह ताला उनको भी ज़ियारत करा दे अपने माँ बाप की। आमीन अल्लाहुम्मा। यानी उनके जो माँ बाप हैं अल्लाह दिखा दे ख्वाब में। तो एक दिन उनकी किस्मत का सितारा चमक गया। जी जी। ये कह लो कि बंजर जमीन पे नूर की बरसात हो गई और ख्वाब में माँ से मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह। उस्मान इब्ने सौरा कहता है कि मैं ख्वाब में माँ को देख के इतना रोया, इतना रोया कि जब सुबह को उठा तो मेरा तकिया आंसुओं से भीगा हुआ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खूब रोया और कहता मैं ख्वाब ही में माँ के कदमों से चिमट गया। उनसे पूछा भाई तूने माँ को किस हालत में देखा, तो कहा मैंने माँ को देखा इस्तबरको सुंदुस जबरजदो याकूत के तख्त पर मेरी माँ बैठी हुई थी। क्या बात है। एक रूहानी माहौल था और रूहानी समा था और मैंने अपनी माँ का दीदार किया था। उसके बाद पता वो क्या कहता, कहता मैंने अपनी माँ से पूछा माँ तेरे साथ क्या हुआ,
का बेटा, मौत के वक्त तो तकलीफ हुई थी थोड़ी सी मुझे, लेकिन बाद में खुदा ने अपने करम से मुझे माफ कर दिया था। बेशक सुभान अल्लाह, ताला ने मेरे ऊपर फजल खास किया जिसका नतीजा मेरे बेटे तू देख रहा। उसके बाद पता उस्मान कहता फाम में अल्लामा सुयूती ने लिखा है, कहा मां एक बात बता, मैं तेरी कब्र पे आता हूँ हफ्ते में हर हफ्ते को एक या दो दिन तेरी कब्र पे आता हूँ। ऐ मां तुझे पता चल जाता है? तो माँ ने सर पे हाथ रख के कहा था, बेटा तू आने की बात करता है तो घर से निकलता है ना, मेरी रूह झूम जाती है। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या मेरा बेटा आ रहा है, सुभान, मेरा लाडला आ रहा है, मेरे जिगर का टुकड़ा आ रहा है, मेरे दिल का करार आ रहा है, मेरी आंखों की ठंडक आ रहा है। बेटे और तो और मेरे आस पास की जो अरवाह मुमिनीन और मुमिनात हैं वो मुझे मुबारकबादियां देती हैं, ए खातून बेटा हो तो तेरे जैसा हो। और आकर के जब तू कुरान पढ़ता है तो मेरी रूह तो झूमती ही है, मेरी रूह के साथ औरों को भी फैज मिलता है, क्योंकि जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां खुदा की रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाह खुश रखे सैयद साहब आपके वालिद माजिद हजरत अल्लामा सैयद एजाज साहिब क़िबला को, जिन्होंने इस पूरे खित्ते में इल्म की शमें जला दी, न जाने कितने शागिर्दों को पैदा किया, इस पूरे खित्ते को चमनिस्तान इल्म और फन बना दिया, कितने मदारिस में इम्मा को भेजा, कितने शागिर्दों को पैदा किया। अब जरा सोचिए वो जितने शागिर्दों के शागिर्द होंगे ये इल्म फैलता चला जाएगा और इंशाल्लाह इसका सवाब उनकी रूह को मिलता चला जाएगा। वो जब दुनिया से जाएंगे एक दिन सबको जाना है तो इंशाल्लाह इसका फैज उन्हें कब्र में भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो आपको भी ये मैं तलकीन कर रहा हूँ कि अपने एक न एक बच्चे को कुरान तो जरूर पढ़ाओ, नहीं बल्कि ये कहूंगा कि सबको कुरान पढ़ाओ। मैं मुकम्मल करूं, मैं ये कहना चाहता हूं सबको कुरान पढ़ाओ, यानी सबको दीन की जरूरी तालीम दिलाओ। हाँ अब चार बेटे हैं तो अपने दीन की जरूरी तालीम दिला दी, पाकी नापाकी हलाल और हराम कुरान शरीफ बुनियादी तालीम सिखा दी आपने, और उसके बाद आपको लगता है तो ऐसा करो एक बेटे को तो आलिम बनाओ ना कम से कम। हक है, हक है। तीन बेटे हैं तो एक बेटे को डॉक्टर बनाओ, दो बच्चों को जो जिस तरफ उनके माइंड का रुझान है या जो उनकी फितरी सलाहियत उस तरफ लगा दो, लेकिन इतना सबको पढ़ाओ कि जनाजा रखा हुआ हो तो सबके सब बेटे जनाजे में शरीक हों। ऐसा ना हो तुमने कमा करके तो बहुत दिया मगर बेटों को इतना भी ना पढ़ाया जो जनाजा पढ़ रहे वो, तुम्हारी रूह बड़ी तड़पेगी बेटे, सारी संपत्ति दे के गया और तू इतना महरूम निकला कि तूने मेरा जनाजा भी ना पढ़ा, और उसकी जगह अगर हाफिज कुरान का बाप होगा उसकी रूह कितनी झूमेगी। बेटे मैंने मालियत तो दी न दी मगर तुझे इस काबिल तो बना दिया जो बाप का जनाजा पढ़ा रहा है। अल्लाह अकबर, जो आज तू यहाँ मुसल्ले पे खड़े होकर के दुआ कर रहा है, अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयहु व फअहयि अल इस्लाम व मन तवफ्फैतहु मिन्ना फ वफ़हू अलल ईमान। ये दुआ एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के हक में कबूल होती है तो जरा सोचो बेटे की दुआ बाप के हक में कितनी जल्दी कबूल हो। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात, बहुत अच्छा आदर, क्या बात। ये तो मैं सब जगह पैगाम देता हूं कि बच्चों, जी 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 जी, फलस्तीन है, फलस्तीन का नाम तो सुना होगा, वो मजलूम हमारे भाई है ना जी, अच्छे हैं, हमारे यहाँ तो मदरसे भी हैं फिर भी चंदा देते हुए हमें मौत आती है, और ये सोचते हैं कि मदरसे क्यों चल रहे हैं, क्या फ़ायदा इनका। अरे नादानों, इन मदरसों ही की तो बरकतें हैं जो मस्जिदों में आजाने गूंज रही हैं। वाह हक है, हक है। ये स्टेज अगरचे इसकी शक्ल बहुत बिगड़ चुकी है लेकिन बहरहाल जैसे भी हैं इन मदरसों ही का तो जी 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 हक है। ये दरसगाहों में पढ़ाया जा रहा, हमारे मदारी सलामत हैं, हमारे खानकाह हैं, ये किसका फैजान है, मदरसों ही का तो मदरसों का। वो देखो फलस्तीन की मैं बात बता रहा था आपको, एक रिपोर्ट मैंने मेरी नज़र के सामने से गुजरी, आप यकीन मानो उस वक्त मेरे आंसू निकल गए, यार वो कैसे हमारे मुसलमान भाई हैं। इसराइल जब बमबारी करता है ना तो उनके पूरे पूरे मोहल्ले कब्रिस्तान में बदल जाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, देखे होंगे आपने नेट पे, देखते हो अब तो सब बच्चों के पास मोबाइल देखा होगा, डेमोलाइज हो जाती हैं इमारतें, तो फिर पता है उस कौम की खुददारी देखो कि वो जब इमारतों के मलबा इकट्ठा करते हैं ना तो मलबों पे अपना सर छुपाने से पहले वो मदरसों का इंतजाम करते हैं। बेशक, यानी वो जैसे भी हैं जिस शक्ल में भी हैं
अपना कपड़े लगाएंगे और अपने जो है इंतजाम करके वहीं पे कुरान शरीफ की तालीम शुरू कर देते हैं। ऐसी कौम को कौन मिटा सकता है जो अपने सीने से कुरान खत्म नहीं होने देते। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उनके सीनों का कुरान ही तो है जो उन्हें बार बार खड़ा कर देता है। बेशक नेकुलर पावर के खिलाफ वो खड़े हो जाते हैं, अंदाजा लगाइए, मिसाइलों के खिलाफ, चूंकि उनके सीनों में कुरान की दौलत है। मेरे साथ है तो ये रिपोर्ट आई कि इससे पहले वाला जो साल गुजरा उस एक साल में कई बच्चियां हाफिज कुरान हुई, एक मदरसे में से, सिर्फ एक मदरसे में बच्चियां भी और बच्चे भी। तो मैं आप लोगों को जो कहना चाहता हूं वो ये है कि अपने घरों का माहौल भी ऐसा बनाओ। बेटियों से भी कहो, आपकी शादी हो चुकी है तो अपनी बीवी से भी कहो कि नाश्ता बनने से पहले पहले या नाश्ता होने से पहले पहले घर में कम से कम कुरान शरीफ के एक पारे की तिलावत तो हो जाए ना। बेशक, सुभान अल्लाह। और रिश्ते देखने में भी जल्दबाजी मत किया करो, कम से कम तुम्हारे घर जो